तो गुड मॉर्निंग एवरी वन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए जब गुड मॉर्निंग बोले तो आप खुश हो जाओ कि कोई मेरे को प्रणाम कर रहा है ठीक है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज क्वेश्चन नंबर वन से टेन देखेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन को भी लिख पहले हेडिंग लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हिंदी वाले गुस्सा रहे होंगे हिंदी में लिखिए द्विघात समीकरण अब नहीं ना गुस्साएगा तुम लोग चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी बराबर जीरो एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा इक्वेशन क्या है जी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस थर्टीन तीस इज इक्वल टू जीरो रुको अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है आपको बताना है क्या देखो तो यहाँ एक्स का दो मान होगा और वाई का भी दो मान होगा जहाँ भी द्विघात है तो दो मान हुआ यहाँ भी यहाँ भी अब ये बताना है कि क्या एक्स ग्रेटर है वाई से तो ये नंबर वन क्या एक्स छोटा है वाई से क्या एक्स बड़ा है या बराबर है किसके y के इसको दो क्या कहते हैं ये दो साइन है ध्यान दो ये बरा और ये बराबर चौथा एक्स लेस दें। देखो जिसके तरफ ये पॉइंट होता है ना वो लेस और कुछ रहो आओ बहुत शैतान लड़का बहुत सी शैतान लड़का हमको नहीं मालूम केवल शायद नाम थोड़ा थोड़ा याद है शायद अच्छा इधर सर इसका नाम है आनंद और इसी बैच का विद्यार्थी है लेकिन गायब हो गया गायब हो गया मतलब फुर हो गया पढ़ने में अच्छा लेकिन शायद घर के कंडीशन के कारण अब बात भी सब मेरे से नहीं ना करता एकाएक क्या कहेगा नोटिस देगा सर क्या है जा रहे हैं कहा तो जा रहा है सर घर से पापा का कॉल आया कि आप तू घर आ जाओ अरे कुछ बोलोगे कुछ शेयर करोगे तब ना सर से जो लगेगा तो सर हेल्प करें कुछ बोले कुछ नहीं घर चला गया और घर से मैसेज क्या करता है एक महीना के अंदर सर क्या है मेरा रिजल्ट हो गया मेरा रिटेन हो गया अब तुम्हारा रिटेन हो गया अभी तो तुम लोग नया बैच में है यस सर आप पढ़ा दिए तो रिजल्ट नहीं होता यानी ये अकेले नहीं और भी लोग इसके साथ एक छिप के इधर यहाँ तो इसी बैच से दो तो और एक गायब है भी इधर इधर घस को इधर ये भाऊ साहब भी अपना रिजल्ट देकर क्या चुपचाप क्या हुआ जी मुका बनाया हुआ है तो रिटर्न आ गया कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट हम मेरा रहता था मुछल उछल जाते देखो हाइट कम है ना तब भी उछल के सीलिंग को छू देते पहला रिटर्न मेरा आया था तो दिन भर में कम से कम छह घंटा केवल कूद रहे थे ये अलग बात है कि तब भी मेरा हाइट नहीं बढ़ा <laughs> लोग कहता था हाइट बढ़ाना है खूब कूदो आप क्या पकड़ करके लटको तो लटक रहे थे तो भी नहीं हाइट बढ़ा कूदे उस दिन तो भी नहीं कुछ हुआ और ये सब मुंह बना करके खड़ा है एक चॉकलेट भी ले आता सर चॉकलेट आपके लिए क्यों जी मेरा रिटर्न आ गया मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप नए बैच में हो तो भी आपका रिजल्ट हो रहा है हम ये आपके हिम्मत के लिए मैंने अब ये तो गांव से आया है मिलने के लिए नहीं तो नहीं बुलाता और मुंह बनाए हुए कि थोड़ा स्माइल दे रहा है कुछ बोलना चाहेगा क्या ले कुछ ज्यादा तो नहीं बस आप आपका आशीर्वाद और आपका जो आपसे जो मोटिवेशन और आपका पढ़ाया हुआ, पढ़ाया हुआ हुआ मोटिवेशन और पढ़ाया हुआ जो आपका आपका नॉलेज दिया हुआ ज्ञान बस उतना कोई भी जो है मझधार में फंसा हुआ ना को आराम से किनारा लगा सकता है इससे ज्यादा और क्या थैंक यू सर जी सबसे पहले तो सर जी को प्रणाम और मैंने अगले साल मेरा नाम निश्चल कुमार मैंने अगले साल 2022 में मतलब इंटर पास किया उसके बाद मेरा घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसके बाद मैं सीधा पटना आया और एम के बस मतलब एम के एम्ब ज्वाइन किया और टीके सिन्हा सर के मतलब तो तो टीके सिन्हा सर के पास सीधा आया और रिटर्न की तैयारी के लिए मतलब तो यहाँ आ गया और तैयारी किया और जस्ट रिजल्ट हुआ मेरा और और मेरा कैंपस ज्वाइन करना मतलब छः सात महीना मात्र हुआ है और मैं तैयारी के मतलब तैयारी करते ही मेरा रिजल्ट स्टार्ट हो गया कि होना और मैं तो और तो रहता जी और मैं चाहता हूँ कि लगातार तो मतलब इस तरह से तैयारी रखूँगा तो मतलब आगे चल के मतलब दरोगा या बी पी एस सी भी निकाल सकता हूँ और प्रयास करूँगा मतलब प्रयास करूँगा सब दिन एम कैंपस से जुड़े रहने के लिए और तैयारी लगातार यहाँ से जारी रखने के लिए कितना भी ना उससे अगर सर डांटते हैं ना तो मतलब आपके लिए समझिए कि बहुत बड़ा कुछ देना चाह रहे हैं आपसे आपको कि सर डांटते हैं तो आपके लिए हाँ अपना समझते हैं मतलब अगर किसी को सर डांटते हैं तो मतलब अपना समझते हैं, इसलिए आपको डांटते हैं ऐसा नहीं कि मतलब हाँ थैंक यू बोलना चाहेंगे हम कि आनंद से कुछ और सुनना चाहेंगे कि आगे आप मोटिवेट हो पाओ कैसे आकर के कैसे ऑनलाइन क्लास भी कर रहा था तो भी छोड़ छाड़ करके कैसे लगे बोल सकते अपना मन का बात भरा सकते इतना काफी है सर अभी मोटिवेशन सर लगता टारगेट कंसल्टेंसी और क्या बोल हार्डवर्क छोड़ना नहीं है कहीं बीच में जैसे करना है प्रिपरेशन करते रहना है चाहे जो कुछ भी हो आप बहुत ऐसे लाइफ में उचाड़ चढ़ाव और ऐसे आते रहते हैं ऐसे आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आते हैं लाइफ में लेकिन ऐसा क्या जो हार नहीं मानना है उस ऑब्सटिकल को पार करके और साथ में एक गाइड करने वाले कैसे सर मिल जाए टीके सिन्हा सर जैसे तो यू कैन डू एनी इन योर लाइफ यू कैन अचीव एनी थिंग योर इन योर लाइफ थैंक यू सर नहीं अभी तो सर वैसे मैं आर्मी क्लक में इससे पहले भी मेरी इस बार भी जीडी मेरा निकला था अभी आर्मी क्लक निकला है और कुछ दमों का मैं सी डी एस भी था इस बार प्रिपरेशन जारी है मे भी इस बार सी में भी हो जाएगा थैंक यू सर और तो भागो नहीं ताकि ये तुमसे चाय हमेशा पिलाते रहता है और इस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ कि चाय पिलाता है <laughs> तो डांट सबसे ज्यादा सुना है तो मैं अगर डांटता हूं तो शायद आप पर ध्यान मेरा ज्यादा है कि मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप रिजल्ट देने वाले हो अगर सर किसी को पर्सनली डांट लगाना शुरू कर दिए तो समझ जाओ कि हम लिस्ट में आ चुके हैं मेरा जॉब नजदीक है और जब तक सर डांट नहीं लगा रहे हैं मतलब वो सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे ही बैच में सब स्टूडेंट जैसे रहते हैं ये भी उसी टाइप से है समझ में आ रहा है तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की और घर में स्थिति सही नहीं होने के बावजूद भी किसी भी ढंग से पढ़ाई करना और वापस हो जाना रिजल्ट लेकर तो इन लोगों का ये जी और जी में मान लो हुआ या आर्मी में हुआ तो ये इन लोगों का फाइनल नहीं है इन लोगों का टारगेट है कि हमारा सी में हो जाए लेकिन वन बाई वन स्टेप ही चढ़ना चाहिए अगर आप बहुत बैकग्राउंड आपका नहीं है बहुत अच्छा बैक सपोर्ट नहीं है और फैमिली की स्थिति को देखते हुए भी कि हमको क्या आप सोचो ना कि बीच में पढ़ाई रोक करके जाना पड़ा और फिर लौट के तब आया जब इनका उधर का है भाग जाता है इधर आ जब मेरा शरीर स्मेल नहीं दे रहा है <laughs> थोड़ा हाथी लगाए थे ना जी <laughs> डीओ आओ अति गैस वाला नहीं था अच्छा वाला है आ, तो ये भाग चलता है उतना दूर अरे जॉब हो जाता है तो नजदीक आओ और जॉब नहीं होता तब तक दूर रह के सर डांट लगाएंगे अब तो बैठा के चाय भी सर पिला सकते हैं कि बैठो वो अलग बात है कि तुलू नहीं पिएगा <laughs> तो आ, एक को वहां देखो रिजल्ट इन लोगों का हुआ भागा वो रहता है आ इसी के रिजल्ट में नाचते रहता खुश जब मिले सर उसका हो गया सर उसका केवल रिजल्ट सुनाने आता है तो मेरे यहाँ से रिजल्ट हमेशा आपको सुनने में मिलेगा मंथ में नहीं कुछ भी तो चार पांच रिजल्ट फाइनल आ, आपको नज़र आता ही है अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो ये रिजल्ट होता है और रनिंग बैचेस होता है बैच अगर इंड हो जाता तब कितने लोगों का होता होगा वो अलग बात है उनका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहता है हाँ कभी उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है कि अपने छोटा भाई बहन को पढ़वाना है तो सर से मिलने आते हैं कि सर ये मेरा भाई है या मेरी बहन है इसको थोड़ा ध्यान देंगे हाँ वो तो सीपी वगैरह नहीं सीपी रोशन भी मिलने आया था इन लोग का रोशन आया चाहे वो विशाल पांडे इन लोग और भी लोग हैं जब खुद आकर के मिले आपसे बोलेंगे तो मान तो लो कि सब लोग ऐसे ही कहानी सुनाते रहता है ठीक है तो दोनों आदमी आप लोग इंतजार करना मिलके जाना ठीक है मिठाई नहीं लाया है तो कम से एक एक चॉकलेट ला चाय पिला दो हाँ चीनी डाल के हम नहीं पीते हैं ये नहीं कि सर सर ना सर से दुश्मनी निकालना हो, तो चीनी डलवा के मत ले आना तो कह कैंसिल हो जाओ टाइमर लगा हुआ था तो बात स, समझ में आई कि हम लोग ये इक्वेशन देख रहे थे और एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो जॉब आपका होगा अगर आप रेगुलर सही रूप से हो तो मेरे यहां से जितना रिजल्ट होता है शायद कोई इंस्टीट्यूट होगा जहां से होता होगा समझ गया और पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी ये मैंने बताया था और जिनको नहीं बताया अब वो सीखो जिनको अभी तक नहीं बताया और एकाएक ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जैसे बैंकिंग के एग्जाम में पांच क्वेश्चन आता है कितना आता है पांच केवल ये बना लो क्वालिफाई मत पढ़ मेरे से मेरा सब पैसा लेके भाग जाओ हम तो इतना इतना दिन अलाउ करते डेमो बस रुकिए सर डेमो में केवल आपसे ये चैप्टर पढ़ेंगे आप तो भाग निकलेंगे क्वालिफाई तो बैंक में कर भें ही जाएंगे एक आध नंबर और इधर उधर से ले जाएंगे लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन तो रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक ट्वेंटी इक्वल टू तो जीरो तो अगर ये माइनस है ना ये अगर माइनस है यहां वाला जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ है और ये भी माइनस है तो एकदम पूरा खुश हो जाओ जितना खुश होना है, हो जाओ कि क्वेश्चन तो, तो बनाया तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया अरे यार कैसे सॉल्व हो गया तो ये मैंने क्या बताया या तो रहेगा x लेस देन वाई या रहेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई या रहेगा x लेस देन और इक्वल टू वाई या रहेगा नो रिलेशन ये पांच दिया हुआ रहता है इस पांच में कोई एक आंसर होता है जिन लोगों को बन गया होगा तो वह क्या बता रहे इतना ईजी क्योंकि वो टेक्निक जान गए क्या जान गए कि सर अगर मैंने क्या बताया था अगर एक वैल्यू प्लस साइन के साथ और एक वैल्यू माइनस साइन के साथ फिर से सुन लो एक प्लस और एक माइनस इसका भी एक प्लस और एक माइनस अगर ये प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस तो ऐसे केस में कोई रिजल्ट रिलेशन ही नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई तो सर इसका ये बरका जो है ना बड़ा वाला भाई ये खुश हो रहा है हम बड़े हैं और ई प्लस कौन है नहीं है नहीं मालूम कह रहा है माइनस वाले से बड़े हैं ना माइनस कितना भी बड़ा संख्या होगा तो प्लस तो उससे बड़ा होगा नहीं प्लस तो जीरो से भी बड़ा होता है और माइनस से बड़ा कौन जीरो जीरो से भी बड़ा कौन प्लस तो ये प्लस है तो ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा बड़ा होगा और ये खुश है हम प्लस है मतलब इसके माइनस से तो बड़ा होंगे ही वैल्यू छोड़ो नहीं मालूम वैल्यू नहीं निकालने आता कुछ ऐसा वैल्यू दे देगा ना क्वाड्रेटिक में लो बराबर जीरो निकलेगा ही नहीं वाई स्क्वायर माइनस परेशान होगा आई तो आई टी जे जो पढ़े हुए जो भी क्वाड्रेटिक पढ़ा है लो बनाते रहो थर्टी नाइन इक्वल टू जीरो वो अपने से कोशिश किए जा रहे हैं ए जा रहे शायद वैल्यू निकल जाए गलती से या नहीं निकले तो निकाल के भी क्या करोगे हमको एक मिनट भी समय नहीं है हमको साठ मिनट में एक सौ क्वेश्चन बनाना है ये जो रिजल्ट आ रहा है ना तो ये भी लड़का जो ये बैठा हुआ है क्या नाम है जी तुम्हारा विवेक इसके भी भाई का जब स्टेशन मास्टर में कुछ दिन पहले हुआ वो तब मिलने आया जब अपने भाई को पढ़वाना था सोच लो मेरे कै, ऐसे कितने विद्यार्थी का होता होगा जो मिलने नहीं आ वो उसका भी हो गया ज्वाइन कर लिया अब सर कर्नाटका बैंगलोर में मैसूर वाला में सर ज्वाइनिंग हुआ अब वो आया कि सर मेरा हो गया सर पहचान रहे हम कहा नहीं पहचानेंगे जी एक साल तो मेरे साथ रहा तो हम कैसे नहीं पहचानेंगे तो सर मेरा स्टेशन मास्टर में हो गया उसके पहले मेरा एयरफोर्स में हुआ अपना बात आने लगा तो ये मेरा सर छोटा भाई है ये भी आप ही के शरण में रहेगा इसको भी पढ़ना है एक विश्वास वैसे लोगों को होता है आप जॉब ले लेते हो तो आपको विश्वास होता है कि नहीं यहां हम मेहनत किए और ये सर ने हमारा निकला था मेरे भाई को मेरे बेटा को मेरे बेटे इन लोगों का भी कुछ कल्याण होगा तब वो भी मिलने आया उस दिन जाकर के मिठाई खिलाया तब इन्वाइट किया ना मैसूर में पूरा घुमाते हैं आपके लिए हम छुट्टी लेकर रहेंगे बोला था ना आंख बंद करके ऐसे से नहीं कहो <laughs> तो ऐसे क्वेश्चन दे देना अब सोचो ना कि दो संख्या गुना करने पे सत्रह और घटाने पे दो ये माइनस मतलब घटाने पे आप निकालने जा रहे हो समय बर्बाद किया जा रहा हो और जो मेरा विद्यार्थी होगा ना वो एक छोटा सा हल्का सा स्माइल देते रहता है क्या देते रहता है सर ये माइनस ना एक प्लस और एक सर ये भी माइनस ना एक प्लस ये सर इसका प्लस बड़ा इसका प्लस बड़ा इसका माइनस छोटा इसका ये लड़ रहा हम बड़े हैं और ये लड़ रहा है हम बरे बड़ा बरा हम बड़े हम बरे अरे भाई तो लड़ाई जब होता है हो ना भाई हट नो no रिलेशन या तो मान लो दोनों यहां ये बड़ा ये छोटा तो एक देखो न, एक देखो ना किसी में भी बड़ा और छोटा एक साथ नहीं रहता है या तो बड़ा या छोटा देखो बड़ा के साथ गलती से कहो या ज्यादा से ज्यादा कहो बराबर हो सकता है इस साइन को क्या कहते हैं इक्वल ग्रेटर और इक्वल ये साइन स्मॉलर इक्वल बड़ा या बराबर और ये क्या कर रहा है नो no रिलेशन ठीक है तो प्लस माइनस प्लस माइनस कोई रिलेशन होगा नहीं तो ऐसे आप बताओ ये क्वेश्चन दे दे बाकी लोग बना रहे हम सर जेई के तैयारी किए थे हम बहुत पढ़े हुए हम एडवांस निकाले बनाओ आई आर्ट्स वाला जो लड़का है वो देख करके बोल दिया पहले ही नो रिलेशन आर्ट्स वाला क्या बताया नो no रिलेशन और साइंस वाला क्या बताया निकाल लें तो ये डर हटा दो कि हम मैथ्स के स्टूडेंट है तभी मैथ्स अच्छा होगा हम आर्ट्स के हैं ना जिसको कोई रास्ता नहीं मालूम उस केवल सर को फॉलो करता है उसका रिजल्ट पहले होता है आज इसको मालूम रहता है ऐसे नहीं होगा तो देख दीजिए ना वो हमारे पास आएगा बस सर देखिए ना ऐसे नहीं होगा कह नहीं होगा लेकिन सोचो ना तुमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस सर को ना होगा तो सर वो रास्ता बताते हैं जो सबसे आसान होता है क्लियर तो अब बता इसका आंसर क्या होता सब लोग देखो ये माइनस मतलब एक प्लस और एक ये माइनस मतलब एक प्लस और एक तो जो बड़ा है बड़ा ये कर हम बड़ा ये कर हम बड़ा मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े चलो सेकेंड क्वेश्चन बोलो अच्छा एक चीज और कुछ टिप्स हम लोग पहले देख ले अगर एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी हो सेवन एक्स प्लस दस कुछ भी लिखते हैं जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व सॉरी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो बाबू हम किताब का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं मैंने अलग से एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताया मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ना इसका साइन क्या है इसका साइन और इसका साइन सोचो पढ़ने वाले जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे एकदम तो देखो पेन उठाया बनाना शुरू तो बना रहा है सब पेन उठाया बनाना शुरू हम लोग तो मैथ्स अच्छा है मेरा मेरा सबसे खराब है या आप में से जिसका सबसे खराब है देखो वो सबसे पहले जवाब देगा कहेगा सर ये क्या बोलो ये क्या प्लस और ये प्लस मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों लेकिन ये प्लस तो दोनों इसका उल्टा होता है इसका उल्टा होता है क्या आएगा नहीं है पांच दो सात हमको नहीं मालूम सपोज हमको नहीं मालूम हम पहला क्लास में है। ये चार या बारह नहीं पता क्या लिखेंगे चार तीन भी नहीं मालूम लेकिन ये प्लस मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों ये माइनस मतलब दोनों तो दोनों अगर प्लस है तो नींद में भी कोई कहेगा बेटा बता प्लस बड़ा कि माइनस सोचो पता ही नहीं तो बनने वाला था ना लो ना अब बना दो ना लो उस समय तो बड़ा मन खुश हो रहा था सर दो संख्या जोड़ने पे सात पांच और दो है यहां देखा अरे रुको बना दिया चार और तीन अब जोड़ने पे सत्रह गुना करने पे दस सर गलत है हम लोग को गलत पे जाना ही नहीं हमारे पास पांच ही ऑप्शन है ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल नो रिले पांच क्वेश्चन बैंक पीओ में देता है बैंक क्लर्क में देता है एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ सोचो ना पांच क्वेश्चन भागना होगा तो, तो तुम लोग को एकदम मौका दे रहा है ये चैप्टर पढ़ना भाग जाना पैसा देने की बात आया गरीब हो घर गर से तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो आज जब तक नहीं खत्म हो ना तब तक मेरे को कहना कि सर अभी ए, ए, एक दिन अभी खत्म नहीं हुआ एक दिन और पढ़ने दीजिए ना अभी पैसा घर से नहीं आया ऑनलाइन में फंसा हुआ है कुछ भी कह सकते हो कह देना कि हमारा पैसा पसा पक्का कल दे देंगे कल देखो चैप्टर नहीं खत्म सर एकदम कल तो दे ही देंगे आ कल उसका चैप्टर खत्म भाग जाना जितने लोग गरीब हो सबको रास्ता देखो 5 मिनट बैठ नहीं सकता है जाओ कोई इंतजार कर रहा होगा बाहर कौनो ना आया होगा तो ये मैंने क्या बोला ये प्लस मतलब दोनों एकदम उल्टा ये प्लस है ना इसको देखा करो ये प्लस मतलब दोनों और ये माइनस मतलब दोनों तो नींद में भी रहेंगे प्लस बड़ा की माइनस तो प्लस बड़ा ये ये वाला बड़ा होगा ठीक है मतलब हम ये बताए क्या हम साइन निकाल सकते हैं अगर ये एक्स के जगह ऐसे वाई रहता और ये भी वाई रहता तो क्या हम देख के बोल सकते थे कि एक्स बड़ा कि वाई बड़ा देखो ना इसका वैल्यू क्या आएगा दोनों प्लस साइन के साथ तो x से बड़ा जो बड़ा रहता है ना ऐसे उधर मुख खुला रहता है जो बड़ा है कौन बड़ा है वाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस चलो तुम जो बोल दो वही लिखते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन बराबर जेरो अच्छा थोड़ा सा तुम्हारा बात मान लेंगे तो कुछ भी सब तुम्हारा बात माने नहीं मानेंगे वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस एटीन बराबर जीरो खुश की ज्यादा खुश बड़ा वाला स्माइली की छोटा वाला यहां देखे प्लस और यहां भी देखे प्लस तो छोटा वाला स्माइल छोटा वाला स्माइल कॉन्फिडेंस आ गया अरे ये कौन सा क्वाड्रेटिक है ये प्लस है मतलब दोनों या तो प्लस होगा या दोनों ये प्लस है यानी या तो दोनों प्लस या दोनों अब आए इधर ये क्या ये क्या पूछ जाओ एक क्वेश्चन बन गया आधे नंबर के कारण लोग छंट जाता इधर एक क्वेश्चन बन गया क्या बन गया ये माइनस मतलब दोनों ये प्लस मतलब दोनों कौन बड़ा है क्या लिखेंगे अच्छा बताओ हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था नहीं हम लोगों ने देखा कौन क्या है कैसे बनेगा नहीं हम लोग टाइप ये देखते ना तो देखते सर क्वेश्चन में गलत है नहीं लग रहा है कि सर जोड़ने पे बताइए ना तीन आएगा जोड़ के दिखाइए तो फ्रैक्शन में ले जाएंगे वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए तुम लोगों में से कुछ लोग आई आई टी जेई का तैयारी किया होगा कुछ लोग इलेवन ट्वेल्व में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था अल्जेवरा पढ़े हो गए क्वार पढ़े हो ठीक है चलो आ जाओ जिनको जाना हो ना तो चुपचाप निकला करो आने आना भी हो तो धीरे से आ जाए करो तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दो की ओर जाते हैं जिनके पास बुक है वो देखेंगे अब देखो क्या था x ग्रेटर देन y x लेस देन y x ग्रेटर देन और इक्वल टू y x लेस देन और इक्वल टू y और अगला नो no रिलेशन कोई दिक्कत नहीं अरे डायरेक्टर साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं क्या अभिषेक तिवारी कहिए सर थोड़ा पानी मांगे हैं मैं तो टीचर टीचर मतलब टी टीचर मतलब टी मतलब चाय चाय लेते रहो चढ़ते रहो चढ़ ही रहे ना उसको कहा जाता है टीचर टीचर का कोई इज्जत होता है कुछ नहीं डायरेक्टर पॉप रिवर डायरेक्टर वहां बैठता अभी कोई आएगा तो वहां देखेगा ना वो तो जबरदस्ती हम घुसते हैं कि हमारा भी थोड़ा इज्जत बना रहे हाँ जी तो क्वेश्चन लिखवा दो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो और वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस ट्वेल्व ज्यादा खुश कि कम खुश बट अभी कहा अभी तो पहला राउंड यहां देखेंगे सर कम खुश पहले बार में वो एक ही ना देखेंगे एक के बार में चार जगह नाव पेपर अगर डूब ना जाएगा कहा देखा यह क्या है ये ये क्या है आधा खुश है अभी देखे ही है यहां भी आए उछलने लगे जैसे रिजल्ट आ गया एक नंबर के कारण रिजल्ट होता है भाई और एक कारण नहीं होता है तो ये माइनस मतलब दोनों ये प्लस मतलब दोनों ये बड़ा कि ये बड़ा वो बड़ा तो क्या लिख देते क्वेश्चन नंबर दो बन गया सोचो तो एग्जाम का क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कैमरा से इधर आके पानी पी लेते हैं कहाँ देख रहा है तुम लोग तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े सब लोग अच्छे से देखना तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जी एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू अगला बोलो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो दोनों साइड देखे ज्यादा खुश नहीं हुए अच्छा एक चीज ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा अगर पावर इवेन नंबर है ना इवेन नंबर मतलब दो चार छ आठ सम संख्या उसको कहते हैं क्या बोलते हैं सम अगर पावर इवेन है ना तो इसका दो साइन होगा एक प्लस वाला भी और एक तो ऐसे लिख सकते एक्स बराबर प्लस टू और यानी एक प्लस माइनस था गलती से उधर भी यहां पे माइनस रहता तब तो फिर कूदने लगते नहीं लेकिन ये प्लस है तो लगा अरे भाई तो सॉल्व करना होगा लेकिन जैसे ही यहाँ आए कि दो संख्या जोड़ने पे और गुना करने पे नौ तो हम लोग को समझ में आ गया एक तीन और दूसरा भी तीन 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 छे और तीन ती नौ यहां देखे थे देखो ये प्लस कर रहा है जोड़ने पर ये आ जाए यहां माइनस रहता ना तो घटाने पर ये आ जाए लेकिन ये क्या कह रहा है जोड़ने पे ये आ जाए तो तीन और तीन अब बता इसका साइन ये प्लस ना तो ये भी माइनस और ये भी अब ये दोनों माइनस है अच्छा एक चीज और बताओ माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटा होता और प्लस में जो बड़ा वो बड़ा जैसे दस बड़ा की बारह पंद्रह बरा की पच्चीस माइनस तीन बरा की माइनस दो याद रखना माइनस तीन ग्रेटर की माइनस दो माइनस चार बरा की माइनस एक ग्यारह माइनस अच्छा चार यानी माइनस में जो छोटा वो अब यहां गौर करो क्या प्लस टू सब ध्यान से देखना सोनू कुमार क्या प्लस टू इन दोनों से बड़ा है क्या प्लस तुम लोग क्या कर रहा है यहां पे मेरे को दिख रहा है इस बोर्ड पे सब दिखता है क्या ये देखो प्लस वाला इन दोनों माइनस से बड़ा है तो प्लस तो माइनस से बड़ा होता ही है क्या माइनस दो माइनस तीन से बड़ा है यस सर ये भी क्या है माइनस इन उससे भी तो एक्स या तो बड़ा है बराबर नहीं है वाई फिर से प्लस दोनों से बड़ा माइनस में दो है वो भी दोनों से बड़ा तो एक्स का दोनों ही मान वाई के दोनों ही मान से बड़ा बोलिए किसी को प्रॉब्लम लग रहा है ना कि बहुत ईजी है लग रहा है कि नहीं कि अब हम लोग कुछ नहीं तो बैंक ऑफिसर तो बन ही जाएंगे मतलब हम जिधर से पार करा देंगे कहेंगे अब देखो तुम में ये एबिलिटी आ गया बैंक पीओ बन जाओगे अब तुम बैंक क्लर्क बन जाओगे अब इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ाता रीजनिंग नहीं पढ़ाता लेकिन अगर जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उसमें तो निकाल देंगे बाकी आपका भाग चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स देखो ऐसे लिखा हुआ है जो लोग पहले क्लास में हो वो लोग क्वेश्चन उतार लो आप खूब अच्छे से समझने की कोशिश करो आपको केवल ये देखना है कि सर का पढ़ाने का जो ढंग है वो आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं अगर वो समझ पा रहे हो तो यही सोचना कि अगले चैप्टर से समझ में आएगा वो भी जब तक देखना समझ में नहीं आएगा एक रुपया भी काउंटर पे मांगा जाए मत देना फंसने वाला काम मत करना अगर फंस गए तो हम तो एडमिशन ले ही लेंगे तो फिर कहेंगे पूरा पैसा जमा कर दो पहले ही मत फंसना एक्स स्क्वायर प्लस प्लस फोर बराबर फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स अब बताओ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये माइनस इधर आया प्लस फोर्टी फाइव एक्स इधर माइनस तो इधर आएगा तो और उसके बाद माइनस छियालीस पता है जब तुम लोग के जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना तब तो यहां जैसे ही माइनस है भगवान से मनाते भगवान अगला वाला भी जो है ना माइनस वाला जाए और उसके बाद तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कौन इतना ब्रेक करने में जा कुछ लोग करते हैं अच्छा एगो मिला ना रुकिए हम ब्रेक करते हैं और देखो हम लोग का क्या था दूसरा वाला भी दिखाइए ना तो चलो दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा है वाई स्क्वायर देखो वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू बताओ कूदने वाली बात है कि नहीं है आ, आई बी पी एस सोच रहा है और एस बी आई सोच रहा है कि हम बड़े हैं नहीं बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं अब क्वाड्रेटिक से पांच रहेगा सब उलझा हुआ रहेगा हम लोग सोच रहे ये क्वेश्चन दिया आंसर जान लो क्या होगा क्यों? क्योंकि इसका भी एक प्लस और एक इसका भी एक प्लस और एक तो क्या सॉल्व करने की आवश्यकता है चलो जल्दी नोट करो ये समझ में आ गया सभी को चलो अगला क्वेश्चन पढ़ें चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस नाइन्टी नाइन इक्वल टू अच्छा मन में तो ये भी आ रहा है देख कर दो संख्या जोड़ने पे बीस गुना करने पे नाइन्टी नाइन ग्यारह और नौ ये भी नहीं कि प्रोसेस नहीं है निकाल के दिखाइए ना वो भी पता है ऐसे कहोगे तो ऐसे चलेंगे वैसे कहोगे तो वैसे चलेंगे इधर ले जाओगे तो वहां भी चलेंगे ग्यारह नौ दिख रहा है प्लस साइन लेकिन हम लोग अभी नहीं देखेंगे आगे बढ़ो वाई स्क्वायर माइनस माइनस थर्टी सिक्स अब आधा खुश हुए थोड़ा मुरझा गए नहीं थोड़ा मुरझा गया देखो तो चेहरा बन भी गया होगा आ गया बनाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा मन जो लोग तेज है ना थोड़ा मन खुश है सर यह बीस है ना एक, एक ग्यारह और दूसरा नौ और सर ये माइनस है ना तो दोनों प्लस ही होगा दो तो संख्या जोड़ने पे बीस गुना करने पे निन्यानबे ये माइनस मतलब दोनों आ ये प्लस क्या बतलाया था या तो दोनों प्लस या दोनों अब बताओ ये क्या है ये माइनस क्या बतला रहा है दो संख्या घटाने पे कितना गुना करने पे कितना बताओ दोनों संख्या क्या एक नौ और दूसरा बताओ ये ये माइनस मतलब एक प्लस होगा एक माइनस लेकिन कौन प्लस कौन माइनस ये बतलाता है ये क्या है तो छोटा वाला इसका भाई है और ये वाला अब देखो क्या ग्यारह ध्यान से देखना ये वाई का मान हुआ किसका मान हुआ ये किसका हुआ क्या एक्स का दोनों को मिलाना होता है क्या ग्यारह दोनों से बड़ा है क्या नाइन भी इससे बड़ा है और इसके यानी बराबर है या बड़ा है ऐसे लिख दे क्या एक्स पहले तो बड़ा है और एक वैल्यू सर वाई बराबर भी है लो या तो एक्स ग्रेटर या इक्वल बराबर वाई इक्वल क्यों यहां भी नाइन यहां भी नाइन ग्रेटर क्यों ग्यारह दोनों से बड़ा है समझ में सबों को आ रहा है यह था क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ते नोट कर लिया आप लोगों ने नोट करो फोटो खींचो जो भी आना नहीं तो स्कैन करना अगला पढ़ो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस टू बराबर देखिए डर लग रहा है दो संख्या जोड़ने पे दो और गुना करने पे भी दो चलो खैर आगे बढ़ते हैं ढ़ आगे टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स कूदने लगोगे कि नहीं खूब कुदोगे क्यों कूदोगे सर यहां भी प्लस और यहां भी और ये आधा खुशी थी और पूरा खुशी कब मिलेगा सर ये क्या है और ये अच्छा ये मुफ्त में मार्क्स मिल गया कि नहीं मिल गया है क्या मिला कि सर ये प्लस मतलब दोनों ये माइनस मतलब दोनों तो कौन बड़ा होगा ये वाई नहीं है उलट के लिख दिया कि आप तेज तो ये भी क्वेश्चन वाला भी तेज हो गया कि आदत पड़ी हुई है ऐसे लिखने का तो देखो पलट दिया यानी एक्स ग्रेटर देन वाई क्लियर देखा हाई प्लस बा है ना तो दोनों माइनस हुई आई माइनस साइन साइनवा प्लस हुई बुझा देख मैं भी थोड़ा थोड़ा भोजपुरी कोशिश करता हूं सीखने का हम लोग का लैंग्वेज है तो आना चाहिए ना जी सब हंस देगा चलो अगला पढ़ो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट आठ बराबर जीरो फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू क्या जी आधा खुश कि पूरा खुश बोलो जल्दी ये माइनस दो उधर जाएगा तो ऐसे लिख ले क्या वाई स्क्वायर बराबर ये क्या है अगर वो माइनस है तो दोनों साइन क्या होगा एक प्लस और एक ये प्लस इवन नंबर है पावर इवेन अच्छा इवेन मतलब पावर दो पावर चार ये नहीं कि अगली बार पावर बारह लिख दे सर क्या करें हमको तो निकालना ही नहीं आता था अरे एक प्लस होगा एक माइनस ही तो मालूम है अगर पावर इवेन तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा कहा गया जी हाँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन है तो वाई इक्वल टू हमको नहीं आता निकालने प्लस माइनस ये भी प्लस देखो बनाना ही नहीं था जो नहीं होता जब सेकंड में एक मिनट में कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो सर ऐसा मिले तो दस पंद्रह बीस सर एक मिनट में बीस पूछे ना यहां ध्यान गया माइनस यहां आ गया देख नहीं के साथ इधर जाएगा तो पावर है एक प्लस और एक ये भी प्लस और एक तो ये भी प्लस माइनस तो ये भी प्लस माइनस तो आंसर क्या सब ऐसा ही नहीं रहता है अभी देखो टाइप बटा हुआ होगा आपके असाइनमेंट में इसके बाद फिर उससे ऊपर वाला टाइप फिर ऊपर वाला टाइप ऐसे बढ़ता है ये था क्वेश्चन नंबर सेवन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट पढ़िए एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स सेवनटीन एक्स प्लस सेवनटीन टू इक्वल टू आगे क्या होगा नहीं होगा क्वेश्चन लिखने के साथ नौ आठ तो नजर आ गया नौ आठ सत्रह पहारा भी तो याद होना चाहिए ना ठीक है और अगला में गए वाई स्क्वायर प्लस पंद्रह वाई है ना प्लस छप्पन ये एक नौ और दूसरा ये प्लस तो दोनों ये आठ और एक ये प्लस तो दोनों प्लस माइनस प्लस माइनस रहता तो पूरा खुश होते लेकिन ऐसा नहीं है अच्छा तब ऐसा एक तो बराबर है मतलब इक्वल वाला तो होगा ही अब बताओ माइनस में जो बड़ा वो तो ये देखो छोटी संख्या मतलब ये बड़ा है इसको दोनों से कंपेयर करो ये बड़ा और ये भी इससे बड़ा और इसके तो एक्स से बड़ा या बराबर कौन एक पहलू बराबर था और ये वाई का माइनस आठ इससे बड़ा है और माइनस सात दोनों से ठीक है तो ऐसे ये था क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू इक्वल टू दूसरा बोलो माइनस फोर वाई प्लस वन पूरा खुश देखने के साथ एक नजर में नहीं कहते फर्स्ट लुक में सर ये प्लस ये प्लस आ हा 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 ये प्लस ये माइनस अब तो मानसून को आ जाना चाहिए आ? बता ये प्लस तो ये ये साइन मत सोच लेना ये प्लस तो दोनों माइनस ये माइनस तो बनाने की आवश्यकता है क्या होगा वाई बरा है किस से एक्स ये था क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर टेन भी बोल ही दो एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू जीरो फोर्टी नाइन इक्वल टू जीरो हाँ वाई स्क्वायर माइनस फिफ्टीन वाई प्लस थर्टी बराबर यहां भी माइनस यहां माइनस बनाना ही पड़ेगा चलो जल्दी बोलो सात और ये माइनस मतलब दोनों यहां बोलो बारह और ये क्या कर रहा है हम तो छोटे हैं ये क्या बोल रहा है मैं छोटू हूं ये क्या कर रहा है हम बरकू छोटा कि बड़ा छोटा बड़ा मतलब नो रिलेशन एन आर तो आज का क्लास यही तक थोड़ा सा जल्दी से आप लोग बाबू बाहर 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 एलेवन का स्क्वायर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस